हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आपका मेरे चैनल में बी दैट इज़ बी स्कॉलर में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से एक लहंगा चोली लेने के लिए सोच रही थी कुछ फंक्शन के लिए। तो मतलब एक लहंगा मुझे पसंद आया हुआ था फ्लिपकार्ट पे, तो वो काफ़ी टाइम से मैं उसको देख रही थी, बट उसका प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं इसलिए थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो हो रही थी कि लूँ ना लूँ। बट मैं हमेशा ही जब भी कोई चीज़ परचेज करती हूँ ना, तो मैं प्राइसेस चेक करती रहती हूँ, मैं उसको कार्ट में डाल देती हूँ। तो आई कीप चेकिंग द प्राइसेस कि जब भी प्राइस कम होगा मैं तब भी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं मतलब बहुत ही बार्गेनिंग में बिलीव करती हूँ। तो जब प्राइसेस कम होते हैं मैं तभी लेती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं देखती रहती हूँ। तो उसका वैसे जो MRP था वो आई थिंक 6500 कुछ था। तो जैसे दो दिन तीन दिन पहले ही मैं उसका जैसे प्राइस चेक कर रही थी, तो उसका प्राइस कम हो गया था। तो उसका प्राइस था कुछ 3600 रुपीज़, तो काफ़ी प्राइस कम हो गया था। तो मैंने उसको एकदम से डील ग्रैब करी और मैंने ऑर्डर प्लेस किया। और अभी तीन दिन ही हुआ है, मैंने तीन दिन पहले ऑर्डर प्लेस किया था, तो आज मुझे मेरा पार्सल मिल गया। तो आज मैं उस लहंगा का जो वेलवेट का है उसका रिव्यू करूँगी आपके साथ शेयर, क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं उसको जस्ट ओपन से मैंने खोल दिया है, अभी मैंने प्रोडक्ट एक्चुअल देखा नहीं है। तो मैं सब आप लोगों के सबके साथ वो प्रोडक्ट शेयर करूँगी। तो बने रहिए, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सो मेरे पास जो पार्सल आया है वो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया है। एज यू कैन सी मुझे ऐसे रिसीव हुआ था ये, और मैंने ऊपर से इसको कट कर लिया। देखते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट कैसा है। ये इसमें इसका बिल आया है, बिल आया है इसका इसके साथ। प्रोडक्ट है उस तरह की ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में आया है। I'm really very excited. Wow. Oh my god. Look at the color, guys. Look at the color. Oh my goodness. And yeah, I think iski choli hai. As you can see. इसकी ये चोली है, इसके नीचे आप देख सकते हैं चोली का जो बॉर्डर है उसके नीचे ये फ्रिल का काम दिया हुआ है, ये फ्रिल्स लगी हुई हैं। और इसकी 3/4 स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी ये नीचे से बेल स्लीव्स हैं, और स्लीव से भी ये गोटा गोटा लगा हुआ है, डिटेलिंग कर रखी है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और ट्रस्ट मी गाइस, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये देखिए, इसकी 3/4 स्लीव्स है, दोनों तरफ ऐसे बेल स्लीव्स बनी हुई है इसकी, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी यार। और ये जो इसकी चोली पे है ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, ये पूरी देखो पीकॉक सा डिज़ाइन बना हुआ है, पूरी एम्ब्रॉयडरी है ये। एंड बहुत स्मूथ वर्क है इसका, बहुत ही क्लीन, बहुत ही नाइस फिनिशिंग कर रखी है इसकी। और इसका जो नेक है वो आई थिंक बोट नेक है ये, इसकी चोली है। आई होप आप सबको दिख रही होगी, ये पूरा वेलवेट है, ये जो फैब्रिक है ये पूरा वेलवेट है। वो वेलवेट भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, बहुत ही स्मूथ है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिस ब्रांड का है ये, उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन है, दैट इज़ आई डोंट नो हाउ टू प्रनाउंस इट, बट इट इज़ जुनाइपर और जुनिपर, एंड इट इज़ इन दिस साइज L। मैंने L साइज़ में ऑर्डर किया था, तो ये L साइज़ का है। और इसका ये देखिए, इसका प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ 6447, बट मैंने इसको अच्छी डील में ले लिया है। और ये था इसका चोली ऊपर वाला पार्ट। एंड नेक्स्ट है इसका दुपट्टा, ये भी वेलवेट का है, बट इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये एम्बॉस प्रिंटिंग होती है ना, जो ये पेंट हुआ हुआ होता है ना, जो एम्बॉस प्रिंटिंग होती है, ये प्रिंटिंग है। और मुझे नहीं लगता वैसे ये वॉश होने पे जाएगी जैसे ये प्रिंटिंग मुझे लग रही है,
ये पेंट नहीं है एक्चुअली, ये एम्बॉस प्रिंटिंग है। अब मुझे नहीं लगता ये जाएगी, बट हाँ मैं, अगर आप ये लेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको ड्राई क्लीन ही कराएं। तो लेट्स सी इसकी देखते हैं लेंथ विड्थ कैसी है। ये देखिए, ये आई थिंक 1 और 2, ये 2.5 मीटर का दुपट्टा है गाइस। इसकी विड्थ थोड़ी सी कम है बट लेंथ बहुत है, लेंथ 2.5 मीटर है, विड्थ जितनी नॉर्मल दुपट्टों की होती है उतनी नहीं है, बट अच्छा लग रहा है। इस ये भी वेलवेट का है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है मेरे को, कलर ही बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये होगा इसका लहंगा, ये लहंगा है इसका, ऊपर से लहंगा प्लेन है, नीचे से बॉर्डर पे इसके बहुत सुंदर, ये भी, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सिर्फ चोली पे एम्ब्रॉयडरी मिलेगी आपको, और जो लहंगा और ये दुपट्टा है उस पर ये एम्बॉस प्रिंटिंग हुई हुई है। तो ये देखिए, काफ़ी काफ़ी कलियाँ भी इसमें काफ़ी हैं, और फ्लेयर भी अच्छा खासा है इसका। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा सही प्रोडक्ट है ये। और ये इसको हुक्स दी हुई हैं, हुक केक ही है, अगर आपको साइज़ छोटा पड़ता है तो आप एडजस्टेबल हुक से एक आधी और भी लगवा सकते हैं, इसमें जगह भी दी हुई है, 2 हुक्स ये यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये एल साइज़ में मंगाया था मैंने, इसकी वेस्ट है, ऊपर से ये प्लेन है, जो इसका वर्क है वो सारा ये नीचे दिया गया है, ये सारा एम्बॉस प्रिंटिंग है, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये, अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि ये चीप तो नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे भी बहुत इन सब चीज़ों का डाउट होता है, पता नहीं आएगा प्रोडक्ट कैसा लगेगा कैसा नहीं लगा, बट ये बहुत सही लग रहा है, बहुत क्लासी लुक देने वाला है ये, मतलब कोई आपको देख के ये बोलेगा ही नहीं कि ये इस रेंज का है, ये बहुत अच्छा लगने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सुंदर है ये, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। अगर आपकी शादी होने वाली है, आप वेडिंग ट्रूज़र रेडी कर रहे हो, आप उसके लिए परफेक्ट है, आपने किसी डिनर पे जाना है आफ्टर न्यूली वेडिंग, जैसे नई नई शादी होती है तो जैसे डिनर पे जाना होता है, लंच किसी ने लंच पे इनवाइट किया डिनर पे, बहुत अच्छी ऑप्शन है, और इतना अफोर्डेबल रेंज में आपको ये मिल रहा है। मैंने देखा है, मैंने खुद जब अपनी शादी का वेडिंग ट्रूज़र वो किया था रेडी, तो मैंने 5-5, 10-10 हज़ार की ड्रेसेज ली थी, एंड उसके कंपेरिजन करूँ अगर मैं तो ये बहुत अच्छी डील है। अगर आपका खुद का फंक्शन है उसमें पहन सकती हैं, अगर आपने किसी की शादी अटेंड करनी है, आपके बहुत रिलेटिव्स की, क्लोज फ्रेंड्स की, किसी की भी शादी है, तो आप भी टीन एज गर्ल्स भी अच्छा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन पार्ट है ना, दैट इज़ नॉर्मल लहंगा चोली नहीं है, जैसे नॉर्मल लहंगा चोली कैसा होता है कि चोली या लहंगा है तो सेम ही लग, बट इसमें द बेस्ट पार्ट इज़ ये थोड़ी सी ना अलग लुक दे रहा है बिकॉज ऑफ दैट फ्रिल पार्ट, एंड इसी वजह से ना मुझे ये अच्छा लगा था, तो मैं ट्राई करना चाहती थी कि, क्योंकि ये इसको यूनिकनेस देता है, ये जो फ्रिल वाला पैटर्न है ना स्लीव्स पे और इस पर, तो ये बाकी लहंगा चोली तो आपने बहुत देखे होंगे, बट ऐसा ये बहुत ही डिफरेंट लुक देगा आपको, बहुत अच्छा लगने वाला है ये, एंड बहुत सही है। अब मैं बहुत पहले बहुत एक्साइटेड थी, अब मैं और ज़्यादा एक्साइटेड होगी उसको देख के, एंड आई एम वेरी हैप्पी नाउ टू सी दिस, इट्स रियली ऑसम। मैं आपको लगा के दिखा, दुपट्टा सी कलर कलर ही देख ले पहले आप, सी दिस इज द दुपट्टा एंड दिस इज द चोली पार्ट। सो गाइस, ये थी आज का मेरा रिव्यू एंड मेरी परचेज जो मैंने आप सबके साथ शेयर करी, और मैं ये डेफिनेटली इसको थम्स अप दे रही हूँ, वो भी 2-2, तो आप डेफिनेटली इसको परचेज करें, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, बहुत क्लासी लगने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है, और सबकी नज़रें आप पर ही टिकने वाली हैं अगर आप ये पहनोगे तो, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो जस्ट गो फॉर इट, परचेज लिंक अगर हो सके, परचेज लिंक मुझे मिला तो मैं परचेज लिंक डाल दूंगी, आई थिंक अभी भी इसका प्राइस कम है, अगर बिफोर इट ये स्टॉक आउट हो जाए उससे पहले आप इसको ले लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, थैंक यू। Thank you.
है।